हे गाइस वेलकम बैक और टेमिडो में। दोस्तों अगर आपके पास एक एंड्रॉइड डिवाइस है तो आपका डिवाइस में एक प्रॉब्लम आपको जरूर देखने को मिला होगा। आप जब भी किसी नंबर पर कॉल करने के लिए जा रहा था वहां पे आपका डिवाइस का जो स्क्रीन है ऑटोमेटिक ऑफ हो जा रहा है और वो टर्न ऑन नहीं हो रहा है। ये बहुत सारी डिवाइस में प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारे यूजर ने मुझे कॉमेंट किया। तो गाइस आप इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, आप कैसे आपका डिवाइस में ऑटो स्क्रीन ऑफ हुए कॉलिंग प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो अपने आप खुद ही। आपको कोई भी परेशान नहीं लेना है, आप वीडियो को जस्ट एंड तक देखते रहिए, आपका डिवाइस में प्रॉब्लम 100% सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यार चलते हैं आज की वीडियो के तरफ। देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत सारे डिवाइस में हो रहा है और मेरा डिवाइस में भी ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप फिलहाल वीडियो को एंड तक देखते रहिए, मैं आपको ओनली फॉर टू सेटिंग बताऊंगा जिसका थ्रू आपका डिवाइस में जो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑफ व्हेन कॉलिंग, मतलब आप जब भी कॉलिंग करते हो किसी भी नंबर पे आपका स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑफ हो जा रहा है, वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो फिलहाल देखिए मेरा डिवाइस में भी प्रॉब्लम हो रहा है, मैं एक नंबर को यहाँ पे डायल किया तो डायल करने के बाद देखिए गाइस ये जो स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑफ हो जा रहा है। आप यहाँ पे देखिए कॉल यहाँ पे रन है, सुन लिया कॉल यहाँ पे चल रहा है, लेकिन पावर बटन प्रेस करने के बाद भी एक कॉल यहाँ पे टर्न ऑफ नहीं होगा, मतलब स्क्रीन टर्न ऑफ नहीं होगा, कॉल नहीं काटेगा। आप फिलहाल यहाँ पे देखिए पावर बटन प्रेस करने के बाद भी स्क्रीन ऑन नहीं हो रहा है, और गाइस यहाँ पे देखिए स्क्रीन ऑन ही नहीं हो रहा है, जब तक कॉल काट नहीं होगा तब तक स्क्रीन ऑन नहीं होगा। तो गाइस अगर आपका डिवाइस में प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। मैं दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपका डिवाइस का आपको जो मेन सेटिंग है उसको आपको जस्ट यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ऊपर में देखिए आपको एक सर्च बार शायद देखने को मिल जाएगा, जस्ट आपको सर्च बार ऑप्शन में यहाँ पे इनकमिंग लिखना होगा। तो गाइस फिलहाल देखिए मैं भी यहाँ पे इनकमिंग लिख लेता हूँ, तो जस्ट आपको इनकमिंग लिखना होगा और ऊपर में देखिए आपको इनकमिंग कॉल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप फिलहाल देखिए मेरा डिवाइस में यहाँ पे आ चुका है, बिल्कुल ऊपर में देखिए इनकमिंग कॉल, जस्ट आपको इनकमिंग कॉल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा। तो गाइस देखिए यहाँ पे देखिए ऊपर में जो दो ऑप्शन है ऑटो स्विच टू स्पीकर, ये जो ऑप्शन है इन डिफॉल्ट आपका डिवाइस में ऑन रहेगा। अगर आपका डिवाइस में स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑफ हो जा रहा है कॉलिंग करने के बाद, ये ऑप्शन इन डिफॉल्ट ऑन रहेगा। जस्ट आपको ये जो ऑप्शन है इसको यहाँ पे डिसेबल कर देना है। उसके बाद नीचे में देखिए और एक ऑप्शन है यहाँ पे ऑन आपको देखने को मिल जाएगा, रिंग रिपीटेड कॉल, ये जो ऑप्शन है इसको आपको इन डिफॉल्ट ऑन रहेगा, आपको इसको डिसेबल कर देना है। इन दोनों ऑप्शन को आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना है। तो ये जो दो ऑप्शन है इसको डिसेबल करने के बाद लगभग आपका डिवाइस में जो प्रॉब्लम था स्क्रीन ऑफ का वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये रहा मेरा फर्स्ट टिप्स एंड टिप। तो गाइस चलते हैं सेकेंड जो टिप्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देखते रहिए वीडियो को स्किप नहीं करना। इसके लिए सिंपली आपको जो मेन सेटिंग है फिर से आपको इसको ऑन कर देना है। ओपन करने के बाद आपको बिल्कुल लास्ट में आ जाना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐप मैनेजमेंट या फिर एप्स नाम के, जस्ट आपको ऐप मैनेजमेंट या फिर एप्स नाम के जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करना है। आपको ऐप लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको टू डॉट या फिर थ्री डॉट मिल जाएगा, जस्ट आपको टू डॉट या फिर थ्री डॉट ऑप्शन में क्लिक करना है। आपको थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पे देखिए लोडिंग हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए शो सिस्टम में आपको एक पॉपअप देखने को मिल जाएगा, जस्ट आपको शो सिस्टम ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जस्ट फोन सर्विस लिख लेना है। तो फिलहाल देखिए मैं भी यहाँ पे लिख लेता हूँ PHONE, जो जस्ट आपको फोन लिखना होगा, फोन सर्विस। नीचे में देखिए आपको फोन सर्विस का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जस्ट आपको फोन सर्विस ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो ऑप्शन है ना इसका क्लियर कैश और फोर्स को आपको स्टॉप कर देना है। तो फिलहाल देखिए मैं इसको यहाँ पे फोन सर्विस का जो क्लियर डाटा मैं यहाँ पे कर देता हूँ, फिर यहाँ पे देखिए इसका जो फोर्स है उसको भी मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। तो क्लियर कैसे, क्लियर डाटा और क्लियर फोर्स को स्टॉप करने के बाद आपको सिंपली का जाना है होम पेज में और आपका जो प्रॉब्लम है यहाँ पे लगभग सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद गाइस आपको और एक सेटिंग को यहाँ पे इनेबल करना होगा, तो उसके लिए आपको जस्ट सेटिंग में जाना होगा, वहां पे आपको यहाँ पे जस्ट सर्च कर लेना है पावर बटन। तो गाइस देखिए मैं भी यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ PWER पावर
पावर बटन। तो आप देखिए बिल्कुल ऊपर में एक ऑप्शन आ चुका है, प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल। जस्ट आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखिए गाइस आपको यहाँ पे और एक ऑप्शन मिल जाएगा, प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल। ये इस जो ऑप्शन है इसको आपको इनेबल कर देना है। इसके थ्रू अगर आपका डिवाइस में कॉल करने के बाद स्क्रीन ऑन नहीं होता है तो सिंपली आप पावर बटन को प्रेस करने के बाद आपका जो कॉल है उसको आप एंड कर सकते। दोस्तों फिलहाल यहाँ पे टेस्ट करके देख लेते हैं, जो भी मैं सेटिंग मेरा डिवाइस में अप्लाई किया उसका थ्रू मेरा जो प्रॉब्लम था वो यहाँ पे सॉल्व हुआ या फिर नहीं। तो मैं यहाँ पे डायलर पैड को ओपन किया, ओपन करने के बाद एक नंबर को मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। तो गाइस देखिए 198 को मैं कॉल किया, सिम वन में मैं कॉल किया। देखिए गाइस ये जो स्क्रीन है ऑफ नहीं हो रहा है और देखिए कॉल भी यहाँ पे हो चुका है। आप साउंड भी यहाँ पे सुन लीजिए, यहाँ पे देखिए टाइमर भी चल रहा है, मतलब कॉल यहाँ पे रनिंग है और स्क्रीन ऑफ नहीं हो रहा है। मतलब गाइस ये जो ट्रिक्स है 100% वर्किंग फुल ट्रिक्स है। अगर आपका डिवाइस में स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑफ हो जा रहा है कॉल करने के बाद, तो मैं इस वीडियो में आपको जितने सारे ट्रिक को आपको बोला हूँ आप आपका डिवाइस में अप्लाई करना। आपका डिवाइस में जो भी प्रॉब्लम है 100% सॉल्यूशन हो जाएगा स्क्रीन ऑफ के रिगार्डिंग। तो यार आज का वीडियो इतना ही था। अगर वीडियो आपको जरा सा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नया आया तो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करके रखना। तो यार मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक टाटा गुड बाय, जय हिंद।